ये भी साधारण त्याग नहीं, बहुत कठिन है। मन ललचाता है चटपटा खाने के लिए और तुमने व्रत ले लिया। इस व्रत से आपने मन को हराया और जिसने मन को एक पॉइंट पर हरा दिया है वो आगे कई पॉइंटों पर हरा सकता है और जीत हासिल कर सकता है। तुम केवल मीठा का व्रत एक हफ्ते रह कर देखो कि मीठा नहीं खाऊंगा, देखो बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। तुम इतना ही व्रत ले लो कि एक हफ्ते गाली नहीं दूंगा, बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। कुछ नहीं तो बाथरूम में जी हुआ गरिया देखो। कितने लोगों को मैंने देखा है सड़क पर चलते चलते अकेले गरिया बत खुल गए। तुमने कहा किसको गाली दे रहे हो? बोले जो समझे उसका गाली दे रहे। तुम व्रत ले लो एक हफ्ते क्रोध नहीं करूंगा, बहुत कठिन है। लोभ लालच नहीं करूंगा, किसी को पैसा नहीं चुराऊंगा। यही व्रत ले लो, किसी को बहकाऊंगा नहीं, किसी को बिगाड़ूंगा नहीं। ये व्रत ले लो, केवल एक महीना कर लो, देखो मन को कितनी शांति मिलती है। व्रत आपको सुख देगा। तो गृहस्थ धर्म की मर्यादा, यदि तुम पति हो तो अपनी पत्नी को प्रेम से सुख से रखो, दारू पी करके आकर उसको पीटो मत, छोटी मोटी गलती में उससे झगड़ा मत करो। और यदि तुम किसी के पिता हो तो अपने बेटे बहू को निभा लो, थोड़ा गम भी खा लो और सिखा दो कैसे रहना। यदि तुम किसी की सासू हो, एक साल समझना मैं सासू हूँ, दूसरे साल ये समझ लेना मैं बहू हूं, ये बहू जो थी अब सासू बन गई है, ऐसे नम्रता से रह लेना। और यदि तुम बहू हो तो उस घर को मंगलमय बना देना, घर को संभालिए, अच्छा काम कीजिए, उन्नति के बारे में सोचिए। हर व्यक्ति को उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, मन को बिजी करना चाहिए। जो उन्नति और विकास के बारे में नहीं सोचते वही लोग प्रपंच करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कलह क्लेश करते हैं, आपस में खूब झगड़ा करते हैं। ये सोचिए कि मेरा घर अच्छा कैसे बनेगा, ये सोचिए मेरी गाड़ी अच्छी कैसे आएगी, ये सोचिए गुरु जी का सत्संग अच्छा कैसे करूंगा, ये सोचिए बेटी का विवाह अच्छी जगह कैसे करूंगा, ये सोचिए कि मुझे सर्विस कैसे मिले। लेकिन तुम जब ये चीजें नहीं सोचते हो तो मन प्रपंची हो जाता है। कितने साधु लोग बड़ा प्रपंची है, बहुत प्रपंची, सब राग द्वेष निंदा बुराई इसी में फंसा रहता है। साधु को सोचना चाहिए कि आश्रम कैसे अच्छा बनाऊं, सब भक्त आए उनके लिए कैसे कमरे तैयार करूं, और साधु को सोचना चाहिए अच्छा सत्संग कैसे करूं, समाज सुधार कैसे करूं। समाज कुलदीप ढकोली क्या है, इस मंडप को देखकर, व्यास गादी देख करके मेरे पास बोले गुरुदेव बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। ये सोचो कि इस जगत भगत का कल्याण कैसे करूं, सबकी बुराइयां कैसे मिटाऊं, ये सोचना चाहिए साधु को। और साधु को सोचना चाहिए सत्संग कैसे सुनाऊं, और मैं सत्संग नहीं कर पाता हूँ तो गुरुदेव की सेवा करूँ, और गुरुदेव का टाइम बचे तो गुरुदेव सत्संग खूब करें। कल मैं एक संत से रात में बात कर रहा था, सब संतों की व्यस्तता की, हमारे सब संत व्यस्त रहते हैं ज़्यादातर, जैसे देखिए वो चला रहे कैमरा उसमें व्यस्त, ये संत हमारे ऊपर इनका ध्यान है इसमें व्यस्त है, ये संत गाने में व्यस्त, इधर दो संत पानी पिलाने में व्यस्त, वो संत बैठे हैं वो जैन आश्रम के कार्यालय में व्यस्त है कि कोई दान देगा तो रसीद काट दूंगा उसमें व्यस्त है, पीछे संत माइक सेटिंग संचालित करने में व्यस्त है, एक दो संत वहाँ भंडार कोठार का सामान संभालने में व्यस्त है, उधर दो बैठे वो शांति व्यवस्था में उनका ड्यूटी व्यस्त है, कोई संत का ये मंडप क्लियर कट लगना चाहिए, ठेकेदार को सही डायरेक्शन दीजिए इसमें व्यस्त है, सब संत व्यस्त है, मैं भी व्यस्त हूं,
मैं दर्शन देने में व्यस्त, प्रवचन करने में व्यस्त, पधरौनी करने में व्यस्त, तुम्हारे घर में इधर उधर जाना, चरण रखना उसमें व्यस्त, एक मिनट मौका ही नहीं, प्रपंच कब करोगे? जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई बहुत बड़े लक्ष्य का निर्धारण नहीं करता है, वो व्यक्ति राग वैस कलह क्लेश और प्रपंच करेगा, और वही व्यक्ति खुराफाती होगा, और वही व्यक्ति व्यभिचारी भी होगा, सब खोटे कर्म करेगा। और जिसने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया है, उसके मन को टाइम ही नहीं है इधर उधर विचलित होने का, उसका ध्यान वही लगा रहता, हमें उधर पहुंचना है। बहुत बड़ा लक्ष्य बनाओ। महिलाओं को भी लक्ष्य बनाना चाहिए कि खैरा में मकान है, खैर कुशल हो गई खैरा की, अब मकान लखनऊ में बनाना चाहिए। तो कोई महिला ऐसा बोलेगी नहीं, हमको सोने के पायल पहनो, क्योंकि मकान बनाने की बात कर रही तो जानते पैसा हुआ खर्च, सोने के पायल खास कर दिया। और जब मकान की बात न करियो, कितनी महिलाएं दुई दुई किलो सोना लाते हैं, छम 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 ढोल बजाता मेंढक आया, ढम ढम ढम। अब ये सोना पहनना भी बुरा नहीं है, आप इस कंडीशन में पहुंच जाओ सब काम हो गए तो सोना भी पहन सकते हो, पहनिए सोना, नहीं सुनार लोग क्या करेंगे फिर, उनको भी दुख तो होगा, गुरुदेव ने प्रवचन से हमको निपटा दिया पूरा। सोना पहनो, लेकिन याद रखना सोने जैसी चमक आपकी जिंदगी में आ जाए, और ये लक्ष्य आपका होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी इतनी उन्नति हुई तो गुरुदेव को भी कुछ हम धर्म प्रचार के लिए दान करें, दान देना है। हैदरगढ़ में एक सज्जन मिले, बोले हमने तो लक्ष्य बना लिया। हमने कहा क्या बनाया? कहीं दसवां अंश हम दान करेंगे आपको। तुमने कहा कब से बनाए? बोले हम 2 साल से बनाए, हो दान दही रहना आपके यहाँ। तुमने कहा उन्नत कितनी हुई? कहीं छपरम रहित रहे, अब महल बना है, साइकिल प्रचलित रहे, 14 टायरा ट्रक खड़े हैं कई, अब बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सब टाली बनावे के सब बहुत बड़ी, और ईंट बनावे भट्टा भी सब लगा। तो हमने कहा ठीक है। बोला हम बहुत जुड़े हैं, बहुत आपके प्रति श्रद्धा है गुरुदेव, नहीं तो आदमी धनवान बनकर बिगड़ जाता है, गलत राह में चला जाता है, इसलिए धर्म से जुड़ना जरूरी है। लक्ष्य ये होना चाहिए, रिश्तेदार कोई गरीब उसको मदद करने का लक्ष्य बनाओ, पड़ोसी कोई भूखा ना सोए ये भी लक्ष्य बनाइए, और साथ साथ में अच्छी गाड़ी लाने का लक्ष्य बनाओ, अच्छी गाड़ी। और जब तक अच्छी गाड़ी के पैसे ना हो तो साधारण गाड़ी भी ले लो, बस 800 ले लो 60,000 की। कोई पूछे कब लाए, कह दो बहुत दिन हुई गए। पूछे नई लाए पुरान, कह दो नई भी पुरान हो यार, पुरान भी सब ठीक है, ज्यादा प्रचार ही मत करो, बैठ लो चुप पे चले आओ। जब फिर पैसा हो जाए उसका बेच दो, और बेच के हाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास ले लो। और जब इतनी क्षमता हो जाए 50 लाख की गाड़ी में भी बैठकर चलो, 1 करोड़ की ले लो। एक भक्त हमारे आते थे तो वो 800 में आते थे, 800 जानते हैं मारुति 800 फंटी बोलते उसको हम, और उनके पास 2-3 राइस मिल, मोटरसाइकिलों की एजेंसियां, ट्रैक्टर की एजेंसियां, बहुत धंधा रोड के ठेकेदार उससे आते। तो हमने एक दिन उनको अलग अकेले बिठाया कि इतनी अच्छी गाड़ी में चलो। बोले क्या फर्क पड़ा गुरुदेव? हमने कहा फर्क ये है, ये जितनी सस्ती है जहाँ ब्रेक मरियो वो रुकबे निकली ट्रक में घुस जाए, ये फर्क पड़ी। तुम मर जी हो, तुम जिंदा रही हो, तो तुम्हारे पीछे 500 आदमी के परिवार पल रहे हैं, तो तुम अच्छी गाड़ी लाओ। तो इनोवा लाए हुए 17 लाख, आश्रम लाए हमको बिठाए, बोले आप बोले ये ठीक है। हमने कहा ये ठीक है। और हुआ एक्सीडेंट, फिर देखो गुरु ने पहले से आगामी बात बता दी, अगम दरगम गढ़ दे छोड़ाई। तो ये ट्राली कोई इंडिया में तो सब ऐसे आदमी है, सड़क पर कोहरा में है, ट्राली में है, कुछ पहिया वहिया खोलत रहे लोग, अंधेर हो पहिया, और निकली गाड़ी उनकी सवेरे, लड़ी है टक्कर, हुई टक्कर,
तो उनका ड्राइवर के टांग वांग तो टूटी, ट्राली वाले तीन मरे और इनोवा पूरी ध्वस्त भय, लेकिन वो बच गए। तो हमारे पास फिर आए कहीं बच गए है, वह 800 हो तो निपट हम हो जाते, इसलिए अच्छी गाड़ी भी रखना चाहिए, अच्छी गाड़ी। अब नहीं है तो साइकिल से भी चल लो, कोई बात नहीं, लक्ष्य होना चाहिए कि अच्छी गाड़ी भी लूंगा। आपकी माँ जिसने तुम्हें गोद में खिलाया है, पिता ने कंधों पर बिठाया है, तो उनको कम से कम गोद में न खिलाओ, लेकिन गाड़ी में बिठाकर सत्संग में ले जाओ, दर्शन कराओ, इतनी उन्नति करो। हमेशा विकास उन्नति के लिए सोचिए, इधर उधर और कुछ मत सोचिए। देखिए आप सुखी भी रहोगे, संपन्न भी रहोगे, उन्नति भी करोगे और आपका नाम भी होगा, काम भी होगा, सब कुछ होगा, ऐसा करना है। अब घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुलियां घुट, और मन को शुद्ध करने के लिए सदग्रंथ भी पढ़िए। यहां पर पुस्तक की दुकान आई है, छोटी छोटी किताबें हैं, ज्ञान की किताबें, उनको खरीदो पढ़ो। अपने घर में हीरो हीरोइन घोड़ा हाथी गधे के फोटो मत लगाओ, वहां पर संत गुरु महान पुरुषों के फोटो लगाओ तो शांति रहेगी। कितने लोगों के घर में हमने देखा गधा फोटो लगा, तो हम कहीं इसको क्यों लगाए, कहीं घर हम तो ये गधा और है, फोटो लगा गधे के, हीरो हीरोइन का लगा होते। हीरोइन किस हीरोइन को शांति मिली बताओ, वो श्रीदेवी थी, दुबई में बाथरूम में डूब मर गई जाए, अरे डूबे के लिए इंडियम कमी है, कुआं ताल बहुत, जहीं जहाँ डूब जाओ वहाँ इतनी दूर डूब ही जाते। अब जब इनका डूब डूब मरना है, यू हाल हीरो हीरोइन का है, सब तबाह है, शांति थोड़े है इनको, और तुम हीरो हीरोइन की नकल करते हो, हीरो हीरोइन की तरह कटे लटे फटे कपड़ा पहनते। कितने लड़के लोग जींस की पैंट पहरे तो उसका हंसी फाड़ते, तुम कि नहीं कहा फाड़े कहे, बोले रोशनदान बनाए, रोशनी पहुंचे हवा महल, एक फैशन, टांग तिर फाड़े कहीं जांग पर फाड़े। और कितने लोग हीरो हीरोइन को देख देख करके इतने टाइट कपड़ा पहरते कि उमा एक कीड़ा भी नहीं घुस सकते और ना बैठ पाते, बिल्कुल लाठी तना खड़े रहते। और कितनी लड़कियां भी नकल कर ली, बहुत टाइट कपड़ा पहने, ताल ठों की कुश्ती लड़ैया है लगा, अरे बैधी कहूं केर झम्मर झोल पहन ले। ये सब नौटंकी क्यों करती है, दिमाग है कि नहीं। और हमारे पास जब इतना कोई टाइट पहन गया तो हमारे मन में होते तुम यहाँ दर्शन करे ना हो, चलो निकलो उधर, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। लड़कियों को चाहिए ये सोचना कि मैं बहुत बड़ी टीचर बनूंगी, लेक्चरर प्रोफेसर बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, एसपी बनूंगी, पुलिस अफसर बनूंगी, तहसीलदार बनूंगी, ये विचार इनके अंदर होना चाहिए। तो ये सोच इनका कुछ नहीं, इन्होंने हीरोइन को देखें तो वह तनक बार बनाई लिए, वह तनक गाल, वह तनक बाल, और पूरा जंजाल, कुछ नहीं, कलेक्टर पलेक्टर अलग ही रहेगा घर में कले। कितनी लड़कियों को देखा तन को कोई काम करे सहूरे नहीं, और मुंह खूब लीपे पोते हैं, रंग लगाए खुद 20 बार समझाओ समझे न होते, थरिया उल्टा धर दे कमानते, चाय बनाओ सहूर नहीं, और चाय जो लई है कपवा तो ऊपर तक डबा डब भरी छलकत तुम्हारे हाथ तक चुवाई दही की लो चाय पी लो। अब यू कुछ ये सब सीखो, ज्ञान की बातें, व्यवहार की बातें, ये सब फैशन चक्कर। कितने लड़के लोग अब फैशन चला है, लड़के लोग चारों तरफ बाल बनवाते, बाईपास रोड निकाल रहे और बीच में बाल थोड़े छोड़ दे तो ऊपर रुई इतना उड़ते। हमने कहा ठीक है, ये चौराहा है हजरतगंज खोपड़ी में, पागल कहीं का, और खोपड़ी में दिमाग बिल्कुल नहीं, चंडाल खोपड़ी। बड़े फैशन बड़ी मेहरई फोहड़ का, इससे कोई ज्ञान विवेक बढ़ता है। और फिर जब जवानी आएगी तो बौड़म बने मूंगफली ठेला ठकेला थे,
अब जब पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, कोई योग्यता हासिल नहीं किया और खाली बाल और गाल सब बनाते रहे, तो ये बोड़माई निकलेगी तो कभी ना कभी तुम्हारी। ये बचपन जो है ये फैशन के लिए नहीं है। अरे तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, सुंदरता कम नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम एक ही तरह के कपड़े रोज पहनते, एक ही तरह, हम सब संत। पूरे दुनिया के 3,60,00,000 लोग यूट्यूब के व्यूअर हैं, मोबाइल के वो सुन रहे हैं, और टीवी में सुनते हैं 10-5 करोड़ लोग प्रवचन, और सब मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन वर्शन किसी को नहीं मिलेंगे, खाली खैरा वालों को ही मिलेंगे। दर्शन मिलना कोई आसान है, इसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा। अभी हमारे पास विदेश कुवैत से फोन आया, तो बोले 6 महीना लगे हैं तुमसे तब बात हुई पाई है, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला, हम नंबर देते ही थे। तो बात हुई तो बोले कि इंडिया आऊंगा आपको दर्शन करने के लिए और कुवैत बुलाऊंगा। हमने कहा ठीक आ जाना। पुण्य पुंज बिन मिलहिं न संता। जीवन को सुंदर बनाओ, आचरण सुंदर बनाओ, कर्म सुंदर बनाओ, स्वभाव सुंदर बनाओ, वाणी सुंदर बनाओ, चरित्र सुंदर बनाओ, व्यवहार सुंदर बनाओ, तुम इतने सुंदर लगोगे कि सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। ये सब लफड़ा करने की। और कितना ही शरीर को सुंदर बनाओ, एक दिन ये बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, जर्जर भी होगा, खराब भी होगा, कुछ काम का काम नहीं। योग्यता हासिल करो, अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग करो। तो ये बहुत सी ज्ञान की बातें आपको बताई गई। इसके लिए आप पुस्तक की दुकान पर पुस्तक भी ले लेना, साथ साथ में वहाँ से पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड प्रवचन के ले लेना। और भाइयों बहनों, सबसे अच्छी बात है ये कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। और स्वास्थ्य में सबसे पहली बात है कि कब्जियत पेट में मत बनने देना। और इसके लिए सबसे सस्ता इलाज है, सुबह 1 मूली 2 गाजर 1 अमरूद 1 केला खा लीजिए। अमरूद नमक मिलाकर खाओ, केलम कुछ मत मिलाओ, ऐसे खाओ। और मूली गाजर और टमाटर और हरी मिर्च थोड़ा छोटा छोटा काट करके इसको मिलाकर स्वाद अनुसार नमक डालकर कम से कम 400 ग्राम 200 ग्राम कटोरम लेके सुबह का नाश्ता 3 दिन यही कर लो, पेट के सारे रोग निकल कर बाहर आ जाएंगे। फिर भी कोई रोग बचे तो पपीता खा लो, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता ना हो तो उसका पिता पपीता है, वो फायदा करेगा। अब ये तुमको लगे झंझट है तो फिर यहाँ राजस्थान के एक सज्जन आयुर्वेद की दवाएं लाए हैं, उनके पास में जा करके कब्ज नाशक दवा ले लो, 1 दिन में कब्ज खत्म। बवासीर की दवा इतनी पेटेंट, पथरी की दवा इतनी पेटेंट, 10 ग्राम की पथरी गला के निकाल दिया आयुर्वेदिक। और घुटना दर्द की भी पेटेंट है, लेकिन वो पुराना घुटना दर्द है तो 4 महीना खाना पड़ेगा, और नया है तो फिर 7 दिन में फायदा दिखाई देगा, इतना पेटेंट है, वहाँ से ले सकते हैं। और एक चीज आपको समझाता हूँ, उज्जैन जो भारत देश का मध्य प्रदेश है, वहाँ है तीर्थ स्थान, जहाँ कुंभ मेला लगता है, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, छिप्रा नदी प्रवाहित होती है, राजा विक्रमादित्य की राजधानी जहाँ रही है, जहाँ भगवान कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, वो उनकी शिक्षा नगरी है, कालिदास की जन्मभूमि है। ऐसे तीर्थ स्थान में एक बहुत सुंदर आश्रम हमारे संत महात्मा बनाने जा रहे हैं। घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली छोड़ लो, ऐसे ध्यान में बैठो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु। ध्यान मूलम
पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा शांति शांति शांति। सभी श्रोता ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, एक मिनट ध्यान कर। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल उंगलियां आंखें बंद करके आंखों पर मुखमंडल पर स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय कबीर, जय विशाल देव, जय विशाल देव, जय प्रेम देव, जय जय क्षमा देव, जय क्षमा देव, जय गुरुमन देव, जय गुरुमन देव, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।